नमस्कार। तो आज हम मिस्टर रामदेव अग्रवाल के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने जीरो से शुरुआत करते हुए स्टॉक मार्केट की दुनिया में अपनी पहचान बनाई है और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके 1400 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा कमाया है। मिस्टर रामदेव अग्रवाल रायपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। उनका कोई बिजनेस या इन्वेस्टमेंट बैकग्राउंड नहीं था। उनके पिताजी एक किसान थे। बाद में अपनी सीए की पढ़ाई करने के लिए वो मुंबई गए थे। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में उन्हें बहुत इंटरेस्ट था, मानो वो उनका जुनून था, और कंपनीज के बैलेंस शीट पढ़ना उनका शौक था। बैलेंस शीट पढ़ना उन्हें बहुत पसंद था और वो डेली कुछ बैलेंस शीट्स पढ़ते थे। वो स्टॉक मार्केट में ही अपना करियर बनाना चाहते थे, पर उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। उनके पास स्टॉक मार्केट का नॉलेज तो था, पर ज़्यादा पैसे नहीं थे और कस्टमर्स भी नहीं थे। उसी दौरान उनकी मुलाकात मिस्टर मोतीलाल ओसवाल से हुई, जो उनके जूनियर थे। मिस्टर मोतीलाल ओसवाल ने एक बार बातों बातों में उन्हें बताया कि उनके भाई एक अच्छे स्टॉक ब्रोकर की तलाश में है। तो मिस्टर अग्रवाल ने मिस्टर ओसवाल से कहा कि क्यों ना हम पार्टनरशिप करके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर सब ब्रोकर बन जाए और कस्टमर्स को एक अच्छी प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करें। तो वो पार्टनरशिप करके पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर सब ब्रोकर बन गए। अगले कुछ सालों में उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठा किए और 1990 में वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर ब्रोकर बन गए। साथ ही मिस्टर अग्रवाल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने लगे। शुरुआती 3-4 सालों में उन्हें अपनी इन्वेस्टिंग से कुछ खास फायदा नहीं मिला। फिर हर्षद मेहता बुलरन आ गया, जिसमें स्टॉक्स की प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ रही थी, और तब उनकी 15-20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट 2 सालों में ही, यानी 1990 से 1992 में, सीधे 30 करोड़ रुपए हो गई। फिर 1994 में वो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफेट से मिले, और बाद में वो उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। मिस्टर अग्रवाल को पहले लगता था कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के बारे में उन्हें सब कुछ पता है, पर मिस्टर बफेट से मिलने के बाद और उनकी फिलॉसफी को समझने के बाद उन्हें पता चला कि इन्वेस्टिंग के बारे में उन्हें अभी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। उन्होंने मिस्टर वॉरेन बफेट ने लिखे हुए तब तक के सारे शेयर होल्डर लेटर्स पढ़ लिए, जिससे उन्हें अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी डेवलप करने में मदद हुई, और उसके बाद उनकी असली इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू हुई। 1994 में उनके 10 करोड़ के पोर्टफोलियो में उन्होंने 200 से भी ज़्यादा कंपनीज के शेयर्स खरीद रखे थे, जो उन्होंने मिस्टर बफेट से मिलने के बाद बेच दिए, और कुछ सिलेक्टेड कंपनीज में ही इन्वेस्ट करते हुए 10-15 कंपनीज में ही इन्वेस्ट किया। अपनी इस स्ट्रैटेजी को उन्होंने फोकस स्ट्रैटेजी नाम दिया है, जिसमें वो कुछ सिलेक्टेड क्वालिटी कंपनीज में ही इन्वेस्ट करते हैं और पेशेंस रखकर उन्हें होल्ड करते हैं। तो वो क्वांटिटी पर नहीं बल्कि क्वालिटी पर ध्यान देते हैं। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में वो अपनी QGLP मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें क्यू यानी क्वालिटी का मतलब है उस बिजनेस और उसके मैनेजमेंट की क्वालिटी को देखना, जी यानी ग्रोथ का मतलब है कि प्रॉफिट की ग्रोथ को देखना, एल यानी लॉन्जेविटी का मतलब है कि बिजनेस और मैनेजमेंट की क्वालिटी और प्रॉफिट की ग्रोथ लॉन्ग टर्म में यानी 10-15 साल के लिए कायम रहेंगे या नहीं ये पता करना, और पी यानी प्राइस का मतलब है रिजनेबल वैल्यूएशन पर स्टॉक मिल रहा है या नहीं। इन चारों में से एक भी चीज़ अगर उन्हें कंपनी में नहीं दिखती है तो वह तुरंत उस इन्वेस्टमेंट को ना कर देते हैं। वो कभी भी स्टॉक मार्केट में स्पेकुलेट नहीं करते, यानी सट्टेबाजी नहीं करते, बिना सोचे समझे वो कभी भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं, और इन्वेस्टर्स को ये एडवाइस देते हैं कि अगर आपको स्टॉक मार्केट से अच्छा पैसा कमाना है तो कभी भी स्पेकुलेट ना करें और उधार के पैसों से इन्वेस्टमेंट ना करें। मिस्टर अग्रवाल कहते हैं कि स्टॉक मार्केट कभी भी स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाता है, उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इसलिए आपको उन क्वालिटी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जो अगले 10-15 साल में कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि कंपनी पैसा कमाएगी तभी आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकते हो। उन्होंने हीरो होंडा, अजंता फार्मा, वैश्य बैंक, आयशर मोटर्स एटसेट्रा, इन स्टॉक्स में कई गुना प्रॉफिट कमाया है। उन्होंने 1996 में हीरो होंडा का स्टॉक 30 रुपये की प्राइस पर खरीदा था और 2016 में उसे 2600 रुपये की प्राइस पर बेचा है, और इन 20 सालों में उन्हें हीरो होंडा के एक शेयर के पीछे कुल मिलाकर 600 रुपये का डिविडेंड मिला है। इन्फोसिस को उन्होंने 900 रुपये की प्राइस पर खरीदा था और 11000 रुपये की प्राइस पर बेचा था। उन्हें पूरा विश्वास है कि इंडिया के पास बहुत सारी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं और इन्वेस्टर्स को ज़रूर इसका फ़ायदा लेना चाहिए और खुद इस ग्रोथ का एक हिस्सा बनना चाहिए। कुछ कंपनीज़ में उन्होंने पैसा गंवाया भी है। वो कहते हैं कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ के मैनेजमेंट को मैं ठीक से पढ़ नहीं पाया और आगे चलकर उन्होंने घोटाला कर दिया, जिसके कारण 1150 रुपये को खरीदा हुआ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ का स्टॉक उन्हें 150 रुपये की प्राइस पर बेचना पड़ा। अपने इस एक्सपीरियंस के बाद उन्हें एक बड़ी सीख मिली। अब वो कंपनी के मैनेजमेंट को नज़दीक से डिटेल में चेक करते हैं। अगर किसी भी पॉइंट उन्हें लगता है कि कंपनी के मैनेजमेंट के पास इंटीग्रिटी नहीं है, यानी ईमानदारी नहीं है, तो वो ऐसे स्टॉक्स से कोसों दूर रहना ही पसंद करते हैं। किन स्टॉक्स को खरीदना है ये जितना इम्पोर्टेंट है, उतना ही किन स्टॉक्स को नहीं खरीदना है ये भी इम्पोर्टेंट है। उन्होंने स्टॉक मार्केट से 1400 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा कमाया है, और साथ ही वो अपना बिजनेस मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज भी चला रहे हैं, जिसमें मिस्टर मोतीलाल ओसवाल उनके पार्टनर हैं। उनका बिजनेस भी अच्छी तरह से बढ़ रहा है।
2008 में उन्होंने एसेट मैनेजमेंट का बिजनेस शुरू किया, यानी म्यूचुअल फंड और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज का बिजनेस शुरू किया, और 2013 में उन्होंने हाउसिंग फाइनेंस का बिजनेस शुरू किया। मिस्टर वॉरेन बफेट को वो अपना गुरु मानते हैं और उनसे हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। मिस्टर अग्रवाल जो कुछ सीखते हैं उसे अपने स्टॉक एनालिसिस में अप्लाई करते हैं। मिस्टर अग्रवाल रेगुलरली बर्कशायर हैथवे की एनुअल मीटिंग के लिए ओमाहा जाते हैं, जहां पर मिस्टर बफेट शेयर होल्डर्स को संबोधित करते हैं। उनका मानना है कि इन्वेस्टर्स को हमेशा सीखते रहना चाहिए और खुद को इम्प्रूव करते रहना चाहिए। शुरुआत में मिस्टर अग्रवाल कंपनी अगले 10-15 साल में कंसिस्टेंटली परफॉर्म करेगी या नहीं इसके बारे में नहीं सोचते थे, पर मिस्टर बफेट से मिलने के बाद वो इसके बारे में सोचने लगे हैं। उनके अनुसार कंपनी के मैनेजमेंट ने पिछले 30 साल में कैसे परफॉर्म किया है और आने वाले 20-25 साल में उनके क्या प्लान्स हैं, उनके क्या गोल्स हैं, इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो किसी भी बिजनेस के कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की तरफ ध्यान देते हैं। अगर कंपनी के पास अच्छा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है तो कॉम्पिटिशन का कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर फर्क नहीं पड़ता है। कंपनी के पास अगर अच्छा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है तो उसे कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमाने में उसकी मदद होती है। तो अगर आपको मिस्टर रामदेव अग्रवाल की इन्वेस्टमेंट जर्नी, जो कि अपने आप में एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है, वो पसंद आई है तो ज़रूर इस वीडियो को दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें। अगर आप finnovations.com पर नए हो तो ज़रूर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके finnovations.com की फैमिली में शामिल हो जाइए। हम स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और फाइनेंस से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोज़ अपलोड करते हैं। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें 8055-835-835 या 9049-641-491 इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हो और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।